इसके पहले भी मैं कई मैक्रो लेके आया हूँ, गूगल प्ले बीटा के और सीटअप ग्लोबल के भी मैं मैक्रो लेके आया हूँ, लेकिन आज के मैक्रो थोड़े से अलग होने वाले। आज मैं आपको सीटअप ग्लोबल के लिए दो मैक्रो बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आपको दो मैक्रो बता चुका था मैं, लेकिन वो अलग अलग वीडियो में बताया था। मैं आज एक ही वीडियो में आपको वो दोनों मैक्रो बताने वाला हूँ, जो कि और उसके साथ साथ एक और एडिशनल चीज भी मैंने ऐड करी है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि मैंने गूगल प्ले बीटा हो या फिर ब्लूस्टेक्स हो, इन दोनों की मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है जिनका नाम है बिगिनर टू एडवांस। अगर आप फ्री फायर के नए पीसी प्लेयर हो तो आप एक बार उसको जरूर चेक करना, जिसमें आपको फ्री फायर डे वन से लेकर तो आप जब तक प्रो नहीं बन जाते पीसी में, तब तक की पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है मैंने, एक बार उसको जरूर चेक करना। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ जाता है तो आप हमारे कंटेंट को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमने पुराना मैक्रो बताया था उसमें सिर्फ क्या होता था, सीट अप होता था, यानी कि हम जैसे ही हम सीट करते थे ग्लोबल हाथ में लेता था और सीट हो जाता, बस यही था पुराने मैक्रो में। लेकिन आज के मैक्रो में मैं जो आपको बताऊंगा ना, वो सीट अप प्लस फायरिंग भी होगा। जैसा मैंने पहले बोला, इसमें आपको दो तरह के मैक्रो देखने को मिलेंगे। तो एक तो जो हमारा नॉर्मल मैक्रो रहेगा जो गूगल प्ले बीटा से ही काम कर जाएगा, और दूसरा जो रहेगा उसमें आपको गेमिंग माउस की जरूरत पड़ेगी। और जिसके पास गेमिंग माउस नहीं है लेकिन उसमें एडिशनल माउस बटन है, लेकिन वो अलग अलग उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है, माउस का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो भी मैंने इसके लिए प्रीवियस वीडियो बना के रखी है। तो एक बार आप मेरी प्रीवियस यानी ओल्ड थोड़ा सा जाना तो उसमें थंबनेल में आपको समझ में आ जाएगा कौन सी वीडियो किसके लिए है, तो एक बार उसको भी चेक कर लेना। चलो आप फिलहाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो नॉर्मल मैक्रो है, मतलब नॉर्मल सेटअप का तरीका है, चले जाना आपको आपके गूगल प्ले बीटा की सेटिंग में। सेटिंग में आपको जाना है कीबोर्ड वाले ऑप्शन पर, ठीक है, जहां पर आपका कीबोर्ड वाला ऑप्शन रहता है उसमें चले जाना है। और यहां पर आपको दो बटन देखने को मिलेगी, एक वो बटन जो कि ग्लोबल के लिए हम यूज करते हैं, दूसरा वो है जो हम क्राउच के लिए करते हैं यानी बैठने के लिए। तो आपको ग्लोबल के लिए और जो बैठने के लिए दोनों को एक ही बटन को सेम रख लेना। अगर आप ग्लोबल मान लो क्यू से लगाते हो तो आपको क्यू से ही सीटअप का कर लेना, सीट का कर लेना, ठीक है, दोनों का एक ही बटन से करके बस इसको सेव कर देना है। दोनों का इसको एक बटन से सेव करने के बाद आपको आप देखना जादू हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे ट्रेनिंग ग्राउंड में जाओगे, अब मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। देखो मैं जैसे ही यहाँ पे करता हूँ तो देखो फायर वो हो जाता है, लेकिन फायर नहीं होता, ठीक है, इसमें ऑटोमेटिकली फायर नहीं होता, इसमें सिर्फ सीटअप होगा यानी कि ग्लोबल हाथ में लेगा और बैठेगा और कुछ नहीं होगा, इसमें ऑटोमेटिक फायर नहीं होगा। जो मैं आपको दूसरा मैक्रो बताऊंगा उसमें ऑटोमेटिक फायर भी होगा। देखो आप यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, मैं जैसे ई प्रेस करता हूँ तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही बैठ जाता है ग्लोबल लेके। लेकिन देखो अभी इसका एक प्रॉब्लम भी है, मैं आपको प्रॉब्लम भी बता देता हूँ। समझ लिया, आप सीएस खेल रहे हो, सीएस में आप आपके बंदे को रिवाइव दे रहे हो, आपके पास ग्लोबल है और आप उसको रिवाइव दे रहे हो और आप खड़े खड़े रिवाइव दे रहे हो, आपके सामने बंदा है तो आप उसको सामने अगर आप ई प्रेस करोगे तो वो रिवाइव कैंसिल हो जाता है इस टाइम पे, क्योंकि आप क्राउच करते हो तो आपके हाथों में ग्लोबल आ जाती है, इसलिए वो रिवाइव कैंसिल हो जाता है। ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ठीक है, एडजस्टमेंट कर लेना। मैं यहाँ पर मैक्रो के नंबर टू की बात करते हैं, और दूसरे नंबर मैक्रो में आपको पुराने वाली सेटिंग कर लेना। आपने जहां ग्लोबल और क्राउच के लिए जो एक ही बटन सेट किया था उसको आपको पुराना जैसा कर लेना। जैसे मैंने पहले ई से तो ग्लोबल रखा था और क्राउच का सी से था, तो मैं पहले जैसा वापस से सी से क्राउच कर ले रहा हूं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका माउस का सॉफ्टवेयर करना है। देखो अगर आपका गेमिंग माउस है तो एक बार चेक कर लेना गूगल पे जाकर उसका सॉफ्टवेयर है या नहीं, अगर उसका सॉफ्टवेयर है तो उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अभी मेरा A17 गेमिंग माउस है तो उसका मेरे पास सॉफ्टवेयर भी है, जिनका सॉफ्टवेयर नहीं है लेकिन उनका गेमिंग उनके माउस में साइड बटन है तो उनके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखा है, तो आप एक बार उसको जाकर चेक कर लेना, मेरे चैनल पर थोड़ा विजिट करना तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे आपको। फिर आपका आपका सॉफ्टवेयर जैसे खुल जाता है तो उसमें एक मैक्रो वाला सेक्शन दे रखा होगा। देखो आप यहाँ पर मैंने पहले से एक सिंगल AWM का बना रखा है, जैसे सिंगल AWM नो रीलोड चलाता है। अगर ये आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर लेना, इसका वीडियो मिल जाएगा आपको सिंगल AWM का। फिलहाल आपको सेटअप मैक्रो के लिए यहाँ पर क्या करना है, न्यू मैक्रो वाले पे क्लिक करना है। न्यू मैक्रो पर आपको इसको मैक्रो को नेम देना है। देखो अलग अलग जगह पे हो सकता है, सभी गेमिंग माउस का सॉफ्टवेयर अलग अलग तरीका होता है, इसलिए अलग अलग जगह पे मैक्रो वाला ऑप्शन हो सकता है। तो आपको मैक्रो वाले ऑप्शन पे जाना है और वहाँ पर आपको एक न्यू मैक्रो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक नया मैक्रो का नाम दे देना है सेटअप ग्लोबल। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर एक डेस्कटॉप या रिपोर्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर वो बटन प्रेस करनी है मैं जो आपको बता रहा हूँ। देखो एक तो आपकी सबसे पहले ग्लोबल वाली, फिर उसके बाद क्राउच वाली और फिर उसके बाद फायर बटन, यानी कि आपके जैसे मैं यूज करता हूँ ग्लोबल ई से तो मैं ई को प्रेस करूँगा, फिर सी से क्राउच करता हूँ तो सी को करूँगा, और मैं फायर बटन करता हूँ लेफ्ट माउस बटन से तो मैं उसको फायर बटन पर क्लिक करूंगा। और इन तीनों बटन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको प्रेस करना है, ठीक है, ताकि इनके बीच का जो ये MS रहे ना ये कम रहे। अगर आपको मान लीजिए MS ज़्यादा है तो आप इसको इस पर राइट क्लिक करके इस पर एडिट करके तो यहाँ पर आपको इसको MS को कम कर देना। जैसे मेरा 141 आया था तो मैंने यहाँ पर 50 कर दिया, क्योंकि 141 MS यानी कि मिली सेकेंड, ठीक है, वो भी बहुत कम है, लेकिन 50 MS यानी 50 मिली सेकेंड और भी ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर देखो मैंने हर जगह पर कम कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पर थोड़ा थोड़ा ज़्यादा था, तो मैंने हर जगह पर उनका एक अंदाज़ अप्रोक्सीमेटली कर रहा मैं। उससे क्या हुआ, आप जैसे ग्लोबल हाथ में लोगे फिर उसके 50 मिली सेकेंड बाद वो क्राउच होगा, फिर उसके भी 55 सेकेंड बाद वो फायर करेगा, ठीक है, मतलब ग्लोबल को डालेगा, और ये सब मिली सेकंड में बहुत ही कम टाइम होगा, इसलिए आपको ज़्यादा भी कम नहीं कर देना। आप सोचो अगर मैं इसको 5 मिली सेकंड कर लूँ, 10 मिली सेकंड कर लूँ तो उसमें आपको थोड़ा सा ग्लिच देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा इनको 30 से लेकर तो 60 के बीच में ही रखना। उसके बाद आपको इसको ऊपर नीचे कर देना, देखो इधर उधर आपको एक बार मोड इधर उधर चेंज कर लेना है, फिर इसके आपको गेम मोड देखने को मिलेगा, ठीक है, तो गेम मोड पर आपको क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको आपके बटन सारे देखने को मिल जाएंगे कि लेफ्ट फायर राइट मटल मिडिल क्लिक और फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक है, तो आप जैसे भी फॉरवर्ड बैकवर्ड देती है उस बटन पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, वहाँ पर आपको एक बेस मैक्रो वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा।
तो आप बेक्स मैक्रो पर जाकर आपको यहाँ पर सीटअप ग्लूअल कर लेना। आप समझ लिया, आपने फॉरवर्ड बटन की जगह सीटअप का कर दिया और जो बैकवर्ड बटन है उसकी जगह आप सिंगल AWM का कर लो भाई, फिर तो आपके मजे ही मजे। इतना करने के बाद आपको इसको अप्लाई कर देना। आप जैसे ही अप्लाई कर दोगे इसमें और कुछ सेटिंग को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद आपको इसको मिनिमाइज कर देना है, चाहो तो आप क्रॉस भी कर सकते हो डायरेक्ट नीचे से। फिर उसके बाद आपको चले जाना आपके गेम में और आप वहाँ पर डायरेक्ट चेक कर लेना कि आपका सही से ग्लूअल लग रहा है कि नहीं। लेकिन आप देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ पर गेम प्ले कर रहा हूँ तो देखो मैं जैसे ई प्रेस करता हूँ ना तो मेरा ग्लूअल ऑटोमेटिकली लग जाए। ई नहीं मैं माउस की फॉरवर्ड बटन जो रहती है साइड बटन उसको जैसे प्रेस करता हूँ तो मेरे सीटअप ग्लूअल लग जाता है। यहाँ पर मेरा कैरेक्टर ऑटोमेटिकली बैठ भी जाता है, ग्लूअल भी हाथ में ले लेता है और फिर फायर भी कर देता है। देखो कुछ इस प्रकार का ये मैक्रो मेरे को बेस्ट लगा क्योंकि जो पहले वाला मैक्रो था उसमें फायर नहीं करता था लेकिन इसमें फायर भी करता है। लेकिन अगर आपके पास माउस का ये है तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास माउस का ये नहीं है लेकिन फिर भी आप करना चाहते हो तो मेरे ओल्ड वीडियो जाके देख लेना, उसमें आपको इसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा माउस का, अगर सॉफ्टवेयर माउस का अगर गैरेज नहीं है। फिर एक बार आप हमारी सारी की सारी प्लेलिस्ट भी चेक करना, उसमें भी बहुत ज़्यादा मैक्रो के बारे में मैंने बता रखा है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले और एक और मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको गूगल प्ले बीटा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका सोल्यूशन ढूंढ कर आपको बता दूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।